Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं कि 15वीं सदी में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च इतना वैल्यूबल था कि उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था और 300 पोर्चुगीज सेलर्स ने अपनी जिंदगी इसी इंडियन पेपर से प्रॉफिट कमाने में खो दी। इंडियन स्पाइसेस की ऐसी ही कई और दिलचस्प बातें जानने के लिए देखते रहिए एपिकपीडिया का ये वीडियो। भारत में वैदिक काल से ही स्पाइसेस का इस्तेमाल चला आ रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में स्पाइसेस का मेडिसिनल प्रयोगों का उल्लेख है। सिनेमन, जिंजर, टर्मरिक, सेसमी और ब्लैक पेपर जैसे स्पाइसेस का उपयोग महान चिकित्सक सुश्रुत ने उन्हें हीलिंग और क्योरिंग प्रॉपर्टीज के लिए किया था। करीब 2000 BCE में इंडियन फार्म्स में स्पाइसेस उगाए जाते थे और इंडस रिवर वैली दुनिया के दूसरे देशों के साथ स्पाइसेस का व्यापार करते थे। इंडियन स्पाइसेस अपने एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इजिप्ट में ममिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज किए जाते थे। ममी को बैरी करने से पहले उनके नॉस्ट्रल्स में पेपरकॉर्न्स स्टफ किया जाता था ताकि वह उनके शरीर को ज्यादा समय तक प्रिजर्व कर सके। इन्हीं स्ट्रॉन्ग कल्चरल कारणों से इंडियन स्पाइसेस की डिमांड बढ़ गई। अपने ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन और फेवरेबल वेदर पैटर्न की वजह से भारत की जमीन स्पाइसेस उगाने के लिए परफेक्ट मानी जाती थी। इस कारण वे अपने नेटिव स्पाइस क्रॉप्स जैसे कि टर्मरिक, सिनेमन, ब्लैक पेपर, क्लोव, कोरिएंडर और लाल मिर्च के लिए दुनिया में जाने जाते थे। इन स्पाइसेस की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत को इन्वेड किया और वापसी में यहाँ के सबसे अनमोल स्पाइसेस अपने साथ ले गए। 4th से 1st century BCE के बीच भारत के मौर्य, गुप्ता और चोला जैसे महान साम्राज्यों ने इन स्पाइसेस के महत्व को समझकर ट्रेड रूट को एक्सपैंड किया, जिससे आगे जाकर वे एक शक्तिशाली साम्राज्य बन पाए। भारत हमेशा से स्पाइसेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है, लेकिन स्पाइस ट्रेड में कई सेंचुरीज तक अरब व्यापारी मिडलमैन के रोल्स निभाते रहे। अपने कंपेटिटर्स को इस स्पाइस ट्रेड से दूर रखने के लिए उन्होंने कई कहानियां बनाई, जैसे कि सिनेमन बर्ड और जहरीले सांपों की। वो कहते थे कि ब्लैक पेपर के घने जंगलों की रक्षा जहरीले सांप करते थे, जिनकी वजह से उसे पाना बहुत मुश्किल था। इस खजाने को पाने के लिए इन जंगलों को जलाकर सांपों को भगाना पड़ता था, जिसकी वजह से व्हाइट पेपर जलकर ब्लैक पेपर बन जाता था। यूरोपियंस इन कहानियों को सच मानते थे और इस ब्लैक पेपर को पाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे। 1400 CE में यूरोप में लगातार प्लेग फैल रहा था और लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में इंडियन स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर को पाना चाहते थे। लगातार स्पाइसेस की डिमांड से उसकी कीमत बढ़ने लगी, जिससे सिर्फ प्रिविलेज्ड लोग ही उसे खरीद पाते थे। ब्लैक पेपर इतना अनमोल हो गया था कि कई लोग उसे स्टेटस सिंबल की तरह यूज करते थे और तिजोरी में बंद कर कर रखते थे। इसी कारण ब्लैक पेपर ब्लैक गोल्ड कहलाया जाने लगा। 1 pound पेपर को वेनिस में प्रॉपर ब्राइब की तरह, इंग्लैंड में हाउस रेंट की तरह और फ्रांस में स्लेव को फ्री करने के लिए यूज किया जाता था। इन्हीं बढ़ती मांगों को समझते हुए अरब्स ने स्पाइसेस की कीमत को 40% बढ़ा दिया, जिससे यूरोपियंस फ्रस्ट्रेट होकर लैंड ऑफ स्पाइस इंडिया की खोज में एक्सपेडिशंस पर निकल पड़े। ऐसे ही एक एक्सपेडिशन 1498 में वास्को डा गामा ने किया और भारत के मुख्य स्पाइस प्रोड्यूसिंग रीजन कैलिकट तक पहुंच आए। ऐसा माना जाता है कि इस एक्सपेडिशन में वास्को डा गामा के 2 जहाज डूब गए और 300 सेलर्स की जान चली गई, लेकिन ये नुकसान उनके एक्सपेडिशन से मिले सिनेमन और ब्लैक पेपर के मुनाफे के सामने कुछ भी नहीं था। इन स्पाइसेस से वास्को डा गामा ने अपने एक्सपेडिशन की कीमत से 60 गुना अधिक प्रॉफिट कमाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक यात्रा के दौरान वास्को डा गामा ने कैलिकट के राजा जामोरिन से पोर्चुगल में उगाने के लिए एक ब्लैक पेपर का प्लांट मंगवाया। इस पर राजा ने हंसते हुए कहा, आप हमारी ब्लैक पेपर का प्लांट तो ले जा सकते, लेकिन यहाँ की बारिश कैसे ले जाएंगे? पोर्चुगीज अब समझ गए कि भारत की कंडीशंस में ही स्पाइसेस सबसे बढ़िया उगते हैं और इसीलिए 16th century में मालाबार कोस्ट से गोवा तक उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू किया। ब्रिटिश, फ्रेंच और डच अब तक जान गए कि जो भी इस लैंड ऑफ स्पाइस पर राज करेगा वो दुनिया पर राज कर पाएगा। स्पाइस ट्रेड से प्रॉफिट कमा के एक एक कर यूरोप के कई देश भारत पर रूल करने आए। उनमें ब्रिटेन,
सबसे ताकतवर देश था और अंत में उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि भारत के स्पाइसेस ने हमारे खाने के स्वाद के साथ दुनिया के इतिहास का भी स्वाद बढ़ाया है। इन्वेडर्स ने भारत से बहुत कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन वो इस धरती को कभी छीन नहीं सके जहां आज भी दुनिया के सबसे श्रेष्ठ स्पाइस उगाए जाते हैं।